नमस्कार दोस्तों, माया नगरी में आपका स्वागत है। हाजिर हूँ मैं बॉलीवुड की एक अनसुनी कहानी के साथ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओ मेरे दिल के चैन, राजेश खन्ना हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर के सबसे टैलेंटेड एक्टर्स में से एक थे। उनकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त थी। उन्होंने कई फिल्मों में आइकॉनिक किरदार निभाए थे। उन्होंने डिंपल कपाड़िया से शादी की थी, जिनसे उनकी दो बेटियां हैं। डिंपल शादी के बाद घर की जिम्मेदारियों में रम गईं। उन्होंने साल 1974 में अपनी बड़ी बेटी ट्विंकल खन्ना को जन्म दिया, जिसके 3 साल बाद उनकी छोटी बेटी रिंकी खन्ना इस दुनिया में आईं। कहते हैं कि टीना मुनीम के साथ राजेश खन्ना के अफेयर की वजह से उनके बीच दूरियां बढ़ गई थी। राजेश खन्ना और डिंपल के बीच मतभेद इतना बढ़ गया कि वो साल 1982 में अलग हो गए, लेकिन आधिकारिक तौर पर उनका तलाक 2012 में हुआ। राजेश खन्ना ने 8 जुलाई 2012 को आखिरी सांस ली थी। ज्यादातर लोग ये बात जानते हैं कि अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ साल उन्होंने अपनी पत्नी डिंपल कपाड़िया और बेटियों के साथ नहीं गुजारे, मगर कम ही लोगों को पता होगा कि बुढ़ापे के दिनों में वो अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ उनकी पार्टनर अनीता आडवाणी थी। जी हां, राजेश खन्ना उनके साथ लिव इन में रहते थे। आपकी बीमारी क्या है? आपकी बॉडी, जिस्म, शरीर जो कि आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा, आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि क्या फर्क है 70 साल और 6 महीने में? मौत देख पल बाबू मछाए, आने वाले 6 महीने में जो लाखों पल में जीने वाला उसका क्या होगा? और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते, मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया तो मौत किसे कहते हैं? और मुझे जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं, तो फिर डर किस बात का? रिपोर्ट्स के मुताबिक राजेश खन्ना और अनीता साल 2006 से काका के बंगले आशीर्वाद में रह रहे थे। इस दौरान अनीता ने काका के परिवार को लेकर कई दावे किए और उन पर आरोप भी लगाए। TOI को दिए इंटरव्यू में अनीता ने कहा था कि राजेश खन्ना से उनका परिवार कोई मतलब नहीं रखता था, राजेश खुद में ही रहना पसंद करते थे। आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए। मैं गीता पर हाथ रख के कसम नहीं खाऊंगा योर ऑनर। क्यों, क्या आप हिंदू नहीं हैं? मैं हिंदू हूँ योर ऑनर, मगर हिंदू होने से पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। ये मेरी पहली और सच्ची पहचान है, इसलिए मैं भारत संविधान, भारत के झंडे और भारत की मिट्टी की कसम खाकर कहता हूं कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जब राजेश खन्ना का निधन हुआ तब भी अनीता ही उनके साथ थी। अनीता ने काका की संपत्ति में अपना हक भी मांगा था। उन्होंने एक पत्नी का हक पाने के लिए खूब हंगामा किया था, यहाँ तक कि वो खुद को राजेश खन्ना की सरोगेट पत्नी भी कहने लगी थी। उनका दावा था कि वो राजेश खन्ना के लिए करवा चौथ का व्रत किया करती थी। उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि उन्हें राजेश खन्ना की पत्नी होने का हक दिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अनीता ने डिंपल कपाड़िया और ट्विंकल खन्ना पर हिंसा का आरोप भी लगाया था, हालांकि उनकी दलील कहीं सुनी नहीं गई थी। अनीता इंटरव्यू में भी राजेश खन्ना के साथ अपने परिवार के संबंध को लेकर बता चुकी हैं। उनका कहना था कि काका का अक्षय कुमार से या अन्य लोगों से कोई लेना देना नहीं था। जब साल 2011 में अनीता ने राजेश खन्ना के घर पूजा रखवाई थी तब ट्विंकल खन्ना और अक्षय वहाँ आए थे और इसके बाद उनका आना जाना शुरू हुआ। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। है जय शिव शंकर, बाटा लगे न कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं जहाँ हूँ कल कोई और था, ये भी एक दौर है वो भी एक दौर था। तो दोस्तों कैसी लगी ये दिलचस्प जानकारी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिर हाजिर रहूंगा ऐसी ही एक दिलचस्प जानकारी के साथ। बने रहिए माया नगरी के साथ। नमस्कार।